आपका इजी ओ वाली भाई स्क्वाड वही यार हमको तो। चारों तरफ से घेर लेती है, और तभी यार मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। आगे घर के अंदर। अरे अब पिस्टल देखने वाली बात यह नीचे में होगी पड़ कि गई। क्या मैं क्लच कर पाऊंगा। भाई एक मिनट रुक जा, पहले इंट्रो दे लो, नहीं मतलब तो हमेशा इंट्रो खराब कर देता है। हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक, एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। और भाई और पटलो क्या चाल है तुम्हारे? भाई तेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे को इंट्रो बोलने दियो पूरा, लेकिन उसके बावजूद तू बीच में आके यार हर बारी इंट्रो खराब कर देता है यार। तो भी गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? जब देखो तब गुस्सा ही होता रहता है। मेरे को अपने पंटल लोग को एक खुशखबरी बतानी है। अबे यार तू भाई क्या ही बताऊँ, तूने कल वाली वीडियो में जो हगा है ना भाई, तूने वो जो शायरी मारी है टिकटॉक वाला म्यूजिक चला के साले टिकटॉकर। और भाई और तो और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे हो, भाई टैडी ने क्या ही शायरी मारी, क्या ही शायरी मारी, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। तो तू बोल ही क्यों रहा है? अबे बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई तेरे को क्या हो गया, तू कैसा था कैसा हो गया, नहीं मतलब तू एक तो टिकटॉक वाली शायरी वायरी मारने लगा और ये बाबू सोना करने लगा। और तो और गाइज मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ, इसने ना अभी मतलब उसको अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए भाई एक नई कार ली है। क्या नाम है उस कार का, चिरांद पूरा नाम बता उस कार का। बुगाटी चिरांद। नहीं ये देखो भाई, ऐसे तो ये पैसे उड़ा रहा है, अब बता चल खुशखबरी जो बता रहा था तू। हाँ तो बिल्डो पिछला गेम प्ले जैसे कि आपको पता होगा मैंने खेला, और भाई उस पे यार तुमने इतने तगड़े तगड़े कमेंट्स किए, इतने तगड़े तगड़े कमेंट्स किए कि तुम्हारी भाभी इंप्रेस हो गई यार। और कल कल मैं फाइनली उसको प्रपोज करने वाला हूँ, तो देखते क्या होता है। प्रपोज से याद आया, भाई तू एक बात बता मैं तेरा क्या लगता हूँ। भाई तू लगता नहीं है, तू भाई है मेरा, भाई मानता हूँ मैं तुझे। ठीक है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, ये हमारी फैमिली, ये क्या लगती है तेरी। ये सब भी यार मेरे भाई लगते हैं, और लड़कियों का पता नहीं। अच्छा तो तू हमेशा बोलता रहता है कि हम लोग मामा बनेंगे, एक बात बता, जब हम तेरे भाई है तो हम चाचा क्यों नहीं बनेंगे। भाई देख ऐसा है ना, मेरा मुंह मत खोलो, अभी मैं कुछ बोलने पाया ना तो फिर तू घूमता फिरेगा कि मेरी बेइज्जती कर दी। अबे भाई बता तो हुआ क्या। नहीं पंटर लोग तुम सारे तो अब चाचे बनोगे, लेकिन ये मास्टर, ये साला पैदाई सिंगल, ये भाई मामा ही बनेगा अब तो। देखो आज हुआ करके जब इंस्टाग्राम पे इसने क्यूएनए वगैरह कुछ किया, तो उसमें वेनम ने इससे पूछा कि जो टेडी या टेडी की बंदी, मतलब किसको चूज करोगे, तो ये साला बोलता है टेडी की बंदी, और बोल रहा था कि टेडी को मत बताना। भाई मेरे को पता नहीं चलेगा, अपने पंटर लोग ने ना मेरे को फटाक से आके बता दिया, और इसीलिए इसीलिए यार तू मामा बनेगा और मेरे पंटर लोग चाचा बनेंगे, क्योंकि मेरे को यार पूरा भरोसा है। लेकिन तू तू साले पैदाइश रंडवाई इसलिए तेरे पे भरोसा नहीं है कि तू तो अपने भाई की बंदी पे लाइन मार रहा है। तू मामा ही बनेगा। अबे तेरे को पता चल गया यार, मैंने बोला था कि मत बताना। खैर चल मैं तेरी जो तूने बुगाटी चिरांद लिए ना वो दिखाता हूँ इन लोग को, अभी तू जा ठीक है, और कल जो भी होगा आके बताना। चल ठीक है साले, जा रहा हूँ, मिल गया ना जवाब, करवा ली बेइज्जती। जा रहा हूँ मैं, चल तू बुगाटी चलान दिखा दियो इन सबको। बाय। अब कहीं यार मुझे नहीं पता यार आप में से किसने टैडी को बता दिया। खैर यार भाई बुरा मान गया, अब उसको मनाना पड़ेगा, चलो वो तो मान जाएगा। लेकिन यार आज के इस वाली गेम प्ले को आप पूरा देखना, और इस वाली गेम प्ले में मैं यार आपको एक नई कार भी दिखाऊंगा जो कि टैडी ने अभी ली है, जिसका नाम है बुगाटी चिरांद। भाई क्या ही कार है, बस आप देखना। खैर अभी फिलहाल की बात करते, देखो उतरती मेरे को VSS मिल जाती है और सामने एक बंदा दिख जाता है। अब मेरे को नहीं पता ये कच्चाधारी बच कैसे गया, मतलब ना इसके पास हेलमेट था ना वेस्ट थी। खैर यहाँ पर अब एक और कच्चाधारी को मार रहा था, लेकिन उसको तो एक भी गोली नहीं लगती। खैर जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तभी मेरे को UMP मिल जाती है, और आवाज़ आती है कि एक बंदा सामने से भाग रहा है। अब इसको जैसे नोक किया तभी लेफ्ट से आवाज़ आ रही है कि एक कच्चाधारी भाई साहब हमारे कंटेनर्स पे कूद रहा है। नहीं भाई कथित जॉर्जो पोल जो है ना अपना कच्चाधारियों से भर गया है। दिन तुम्हारा रात हमारी, नाम हमारा कच्चाधारी, ये कच्चाधारियों का डायलॉग है अगर आपको नहीं पता तो, मैंने बता दिया, मेरे को एक कच्चाधारी ने बताया था। खैर अभी देखो फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर ये बच के निकल जाता है, और इसको यार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अब जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तभी सामने, अब यहाँ पे ये मासूम सी चेहरे का एनिमी मेरा किल चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार मैं इसको किसी तरह नॉक कर देता और अपना किल भी बचा लेता। और यहाँ पे मेरे को 2 किल मिल जाते हैं और टीममेट मेरे को M4 दे देता है। खैर जैसे ही M4 लेने के बाद मैं बाहर जाता हूँ, सामने बंदा, अब स्टार्टिंग में बंदा लगाता है लेकिन रहता है ये बोट। खैर अब इसके बाद में जैसे ही आगे जाता हूँ तभी यार सामने से एक बंदे के पैरों की आवाज आती है, और भाई अब देखना यहाँ पे पीछे। और भाई इसलिए यार मैं आप सभी को हमेशा बोलता हूँ कि जो अपना क्रॉस हेयर है भाई उसको हमेशा एनिमी के हेड पे है, मतलब हेड लेवल पे रखे करो, क्योंकि जब भी आप कहीं पे फ्री फायर दोगे तो एनिमी को सीधा हेड पे लगेगा और बंदा खत्म। खैर इसी के साथ यार मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तभी एक और बंदे के पैरों की आवाज आती है,
और गाइस इसी के साथ यार अपना जोर्जो पोल क्लियर हो जाता है। मतलब देखा आपने कितनी जल्दी मैंने जोर्जो पोल क्लियर कर दिया। अगर यार हाथ एक अच्छी गन लग जाए ना भाई तो हॉट ड्रॉप पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। खैर इसी के साथ यार अपना जोर्जो पोल क्लियर हो जाता है और भाई रेडी हो जाओ अब जो टेडी ने अपनी न्यू कार ली है बुगाटी चिरांद उसको देखने के लिए। खैर इतने में ये बोट आ जाता है। अब इस बोट को मारने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। अब यार एक बात बताओ कौन कौन यार अपनी लंबारी को मिस कर रहा है? भाई मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। खैर ये देखो भाई ये है अपनी टेडी की बुगाटी चिरांद जो कि उसने अभी नई निकलवाई है शोरूम से। भाई आपको बुगाटी चिरांद कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। खैर अब इसके बाद कहते हैं कि यार मैं जैसी रोजोक की तरफ से जा रहा था तभी भाई लेफ्ट से दो बंदे फायरिंग करते हैं। और मेरे भाई ये जो दो बंदों ने फायरिंग करा है ना इनमें से एक लड़की है ठीक है और वो लड़की देखना भाई साहब क्या ही खेलेगी। खैर अभी फिलहाल की बात करते तो देखो हमको इतना पता था कि हमारे सामने दो बंदे और किसी भी तरह हमको इनको मारना है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ इस वाले घर की छत पर जाता हूँ भाग के। और भाई यहाँ पर छत पे आने के बाद मैं काफी देर तक वेट करता हूँ पर यार ये बंदे टीपी पे छोड़ते ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस घर के बाहर निकलता हूँ और यार ये रिच का कवर लेके फ्लैंक करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा टीममेट फायरिंग करके इनका ध्यान बटाता है और मैं कर लेता हूँ क्रॉस। खैर इतने यार जब मैं क्रॉस वगैरह करता हूँ ना ये बंदे भाग के भाई साहब पीछे चले जाते हैं क्योंकि इनको पता चल जाता है। अब जैसे ही मैं इधर आता हूँ तभी सामने से एक यूएस आती हुई दिखाई देती है और अब देखो ये स्प्रे। भाई साहब सामने वाले यूएस वाले बंदे को मैंने हेड कनेक्ट कर दिया। खैर इतने में पेड़ के पास एक बंदा दिखाई दिया लेकिन जैसे स्कोप ओपन करता हूँ तो बंदा गायब। अब यहाँ पर मेरे को इतना पता चल चुका था कि सामने कोई ना कोई तो है इसलिए यार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ यहाँ से फटाक से हट जाता हूँ क्योंकि हो सकता है यार कभी भी नेट आ जाए। अब इसके बाद वो जो यूएस वाले बंदे थे ना वो ऊपर पहाड़ पर रुक जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर टीपी भी ले रहा था तभी भाई साहब यहाँ पर तो यार मैं बाल बाल बचा। अगर थोड़ी देर और लेट हो जाता ना भाई तो डब्बा बनना था। खैर सबसे पहले यार मैं अपने आपको फर्स्ट एड लगाता हूँ और यार एड्रेलिन वगैरह लगाता हूँ। एड्रेलिन भाई पता नहीं कब बोल लाएगा। खैर अब जब ये मैं बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ अपने आपको फर्स्ट एड वगैरह लगा लेता हूँ तो मैं अपने टीम मेट को कॉल देता हूँ कि भाई भाग के पीछे आ जाए क्योंकि इस घर में रहेंगे तो दोनों तरफ से पड़ेंगे और इजिली मर जाएंगे। खैर जैसे हम उस वाले घर से निकलते हैं तभी यार वो जो यूएस वाली स्क्वाड थी वो रश कर देती है। और अब देखना यहाँ पे जैसे इसको नॉक किया तभी मेरे को नहीं पता यार मैंने इसको इतना ज्यादा डैमेज दिया उसके बावजूद मैं कैसे नॉक हो गया। खैर अब इसके बाद यार मेरा टीममेट फटाक से मेरे को रिवाइव देता है और मेरे भाई इतने में ये जो अभी बंदा भाग के गया ना इसलिए बंदा नहीं है ये बंदी है। इसने क्या करा कि इसके बाकी के दो बंदों को मार दिया। मतलब कि अभी हमारे सामने जो बचा हुआ एनिमी है ना वो एक लड़की है और देखो मैं उसको कैसे मारूंगा। अब सबसे पहले मैं इसकी क्रेट से ग्रेनेड्स लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रेनेड नहीं रहते। अब जैसे ही ग्रेनेड मिलते हैं तो भाई मैं सामने की तरफ नेड के पिन खींच के नेड करता हूँ। घर में है वो पैनिक रूम में अंदर। और मेरे भाई नाम पढ़ो इसका आइस क्वीन। अब यार पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि लड़की नॉक हुई है और उसको रिवाइव देने कोई भी नहीं आया। वरना यार मतलब अगर स्क्वाड में कोई लड़की खेलती है ना भाई नॉक होती बंदे रिवाइव देने आ जाते हैं पर ये पहली ऐसी लड़की थी जिसको कोई रिवाइव देने नहीं आता। खैर भाई अब इसके बाद यार मैं माइक कॉल पे करता हूँ इससे बोलता हूँ कि अगर आपके टीममेट है तो भाई उनको बोल दो कि आपको बचा ले जाए। लेकिन यार ये कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर बाद ब्लीड होकर मर जाती है क्योंकि यार अब ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अलाइव कम बचे थे और मेरे को किड्स ज़्यादा चाहिए थे कभी कुछ और मतलब समझ लो है बहुत तेज हो रहे हो आजकल तुम सब। खैर अब इसके बाद यार सबसे पहले मैं यहाँ पर जितनी भी क्रेट वगैरह रहती है वो लूटते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से। अब हर जगह घूमने के बाद भाई हम वापस से रोजों का आ जाते हैं। अब जैसे मैं इधर आता हूँ तभी हमें को लेफ्ट में यूएस खड़ी हुई दिखाई देती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई बंदा तो है वहाँ पे पक्का। अब जैसे मैं इस वाले घर के अंदर आता हूँ तभी यार मेरे को गन क्लिच होकर दिख जाती है और मेरे को पता चल जाता है कि जो सामने बंदा है वो छत पे बैठा है। अब सबसे पहले यार मैं नेड करता हूँ। अब ये नेट करते हुए मुझे वो बंदा देख लेता है इसलिए वो बच जाता है लेकिन जैसे ही ये वाला नेट फटता तभी मैं दूसरे नेट की पिन खींच के नेट कर देता हूँ और इस नेट की आवाज़ उसको नहीं जाती क्योंकि अगर आपके पास कोई नेट फटता है तो थोड़ी देर तक आपको आवाज़ नहीं आती है। तो डेट्स वाई यहाँ पर यार सामने वाला एनिमी नोक हो जाता है। अब जैसे ये नोक होता है तो भाई हम तुरंत रस कर देते हैं और यहाँ से भाई साहब हमारा पूरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो ही हमने सर्वाइव किया है बस वो देखना आप। अब मेरे को लगा था कि इसका टीममेट वगैरह भी होंगे
लेकिन ये निकलता है भाई सोलो और इसको हम फिनिश नहीं करते, ठीक है। हम इसको बोलते हैं भाई अगर आपके टीममेट हो तो उनको बुला लो, और यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर बंदे कम बचे हो और कोई नोक बंदा मिल जाए, मेरे को किल चाहिए होती है तो भाई मैं ऐसे ही बोलता हूँ एनिमीज से कि अपने टीममेट को बुला लो और हमारी फाइट करवा लो, लेकिन इसका भी कोई टीममेट नहीं आता। और थोड़ी देर बाद यार पहाड़ से जब फायरिंग होती है और जैसे ही मैं स्प्रे देने वाला था तभी मैं, भाई साहब मेरे को दो साइड से कार 98 पड़ती है, किस किसने नोटिस करा। एक तो यार राइट हैंड साइड से बॉडी शॉट पड़ा कार 98 का, और पहाड़ वाला बंदा मेरे को हेड शॉट चेप देता है और भाई मैं हो जाता हूँ नॉक। खैर इतने में जैसे मैं रिवाइव वगैरह होकर उसकी क्रेट से हेलमेट लेकर आता हूँ, भाई सामने वाली स्क्वाड कर देती है हमारे ऊपर रस, और भाई साहब वो नेड वगैरह करने लगते हैं। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू भाग के सीढ़ियों पर आ जाए क्योंकि ये थोड़ी सेफ जगह है, यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह नहीं आते हैं। अब इतने में यार वो बंदे ग्रेनेड करने के बाद हमारे ऊपर सीधा रस कर देते हैं, और अब देखना आगे घर के अंदर। अब जैसे टीममेट नॉक हुआ तभी हाथ लगा, और मेरे भाई इस वाले 1v2 के लिए ना भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मेरे को दो तरफ से बढ़ रही थी लेकिन उसके बावजूद भाई साहब यहाँ पर मैं 1v2 कर देता हूँ। तो भाई लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो यार सब्सक्राइब कर देना, देखो ये गलत बात हो जाएगी। खैर अब इसके बाद क्या था कि यार अपना जोन आ रहा था, तो भाई उन बंदों को मैं इग्नोर करके जोन में जाने लगता हूँ, और अब मेरी मुलाकात होगी उस बंदे से जिस टाइम यार मैं छत पे था, तो जिसने मेरे को बॉडी शॉट मारा था ना राइट हैंड साइड से, वो ये वही बंदा है, और देखो मैं इसको कितनी बोरे मारूंगा। और मेरे भाई यहाँ पर गाड़ी चेंज करके मैं इसको मार देता हूँ, अब वो पेड़ इसको बचा रहा था वरना मैं और जल्दी मार देता। खैर अब इसके बाद यार हम जोन में आते हैं, अब जैसे ही हम जोन में आते हैं भाई तभी मेरे को ओपन में यूएस खड़ी हुई दिखाई दे जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब सबसे पहले यार मैं गाड़ी को यहाँ पर आकर रोकता हूँ, अब जैसे यहाँ पर रोकता हूँ तभी सामने पेड़ पर दो बंदे दिख जाते हैं। अब जैसे इसको नॉक किया तभी भाई राइट हैंड साइड से एक बंदा घासों में लेटा था, जो कि यार सप्रेस्ड M4 चला रहा था मेरे ऊपर। कहाँ से मार रहा है? नहीं है मेरे पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जैसे किल कंफर्म किया तभी ये कहाँ से मार रहा सप्रेस्ड वाला? और मेरे भाई यहाँ पर मैंने तीन बंदों को नॉक किया था लेकिन किल सिर्फ दो ही मिलते हैं भाई, एक बंदे ने यार मेरा यहाँ पर किल चुरा लिया जो कि मेरे ठीक सामने था। अब उसको यार मैं नहीं छोड़ने वाला था, तो भाई मैं बुगाटी चिरांद में बैठता हूँ और सीधा हम उस घर वाले बंदे पे धावा बोल देते हैं। अब गाइस जैसे यार मैं इधर आता हूँ ना तभी यार मेरे को आवाज़ आती है कि ये जो बंदा है ये अंदर स्मॉल वाले पैनिक रूम में चला गया है, तो मैं सीधा नेड की पिन खींचता हूँ और यहीं पर नेड कर देता हूँ। और मेरे भाई इसके साथ यार ये भी क्लियर हो जाता है। खैर अब जोन में सिर्फ दो बंदे बचे थे, अब सबसे पहले मैं इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ, और इसकी क्रेट से मेरे को स्नाइपर मिल जाती है विद एटैक्स, तो मैं स्नाइपर उठा लेता हूँ क्योंकि जोन जो था अपना थोड़ा बड़ा था। आज यार मेरी जवान की लड़खड़ा रही है। खैर जो भी था भाई अब इसके बाद वो जो दो बंदे बचे थे ना वो हमारे ठीक सामने वाले घर में आ जाते हैं, और भाई अब आपको देखने को मिलेगा, देखो जो मेरे ठीक सामने बंदे हैं ना उनके पास AWM है दोनों बंदों के पास, और मेरे पास है कार 98, और ये पड़ा पहला हेडशॉट। खैर जैसे इसको मारा तभी भाई लेफ्ट हैंड साइड से एक और AWM का शॉट आता है, अब उस लेफ्ट वाले को भी सपोर्ट करना था और इस राइट वाले को भी संभालना था, तो बस देखते जाओ। अब यहां पर यार एक और बॉडी शॉट, खैर इतने में यार मेरे को लेफ्ट वाला बंदा दिख जाता है, और अब देखना उसको मैं क्या ही मारता हूं। कहाँ पेड़ पे है क्या? अब जैसे इसको नॉक किया भाई तभी मेरे को पता था कि ये जो गिली सूट वाला बंदा है ना घर में ये उसको रिवाइव देने जरूर जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले पीछे आता हूँ, M249 को रिलोड करता हूँ, हीलिंग वगैरह करता हूँ, कार 98 की थोड़ी एम उठाता हूँ और पूरा लेफ्ट से फ्लैंक कर देता हूँ। अब जैसे मैं इधर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई सामने स्मोक वगैरह हो रहा है, तो भाई मैं समझ जाता हूँ कि गिली सूट वाला बंदा इसे बचाने जरूर आएगा। अब जैसे मैं अपने आप को बूस्ट वगैरह कर रहा था तभी
अब यहाँ पर आप एक चीज देखना भाई, अभी वो जो घिली सूट वाला बंदा है वो पेड़ पे ही है, ठीक है? बस देखते जाओ। अब सबसे पहले मैंने नोक वाले बंदे को फिनिश किया, और इतने यार मैं अपने 6x को 3x बनाता हूँ ना भाई, वो जो बंदा था वो पेड़ वाला बंदा, वो भाग के भाई साहब घर में आ जाता है, मतलब कि भाई पता ही नहीं चला कब आ गया वो, और मेरे को लग रहा था कि वो पेड़ पे ही है। और अब देखना यहाँ पर क्या स्कैम होगा मेरे साथ। विंडो पे ही है, नहीं नहीं विंडो पे है, विंडो पे। अब यहाँ पर वो मेरे को दिख जाता है, उधर ही था वो, गया ही नहीं था वहां। और भाई ये देखो किल फील्ड देख लो भाई, हेडशॉट नहीं पड़ा, बॉडी शॉट में मैं नॉक हो जाता हूँ। और भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब किस्मत ही बेकार हो ना भाई तो कुछ नहीं हो सकता। अब सामने वाले बंदे ने नेट करा जो कि यार दीवार के पीछे गिरता है, लेकिन भाई साहब टपका खा के अंदर, और भाई बन जाता है हमारे डब्बा। भाई क्या ही बोलूँ। खैर गाइस आपको कैसा लगा यार आज का ये वाला गेम प्ले, 18 किल्स का फुल इंटेंस गेम प्ले, और बुगाटी चिरांद कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करते हुए जाना, और चैनल पे पहली बार तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना। एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो भाई, वहां पर यार मौज मस्ती वगैरह करता रहता हूं और काफी चीजें आपको बताता रहता हूं। तो मेरे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आप सभी को फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट गेम प्ले, पीस।